पक्की हो गई। कुतिया को उठाया गले से लगाया, कुतिया को उठा। इल्मा यहाँ आओ जरा। हाँ बताइए। वो जमीला के अंदर जरा फोन मिलाओ। अच्छा मिला रहे। अस्सलाम वालेकुम। अरे पक्की हो गई। अरे लड़की की शादी की तारीख। अरे हाँ। अरे हमारी दोस्त हो तुम, तुम्हें बता दिए भाई। अरे हाँ भैया। अच्छा एक काम करो जमीला, तुम कल आओ, हम तुम्हें बैठ के सारा प्रोग्राम बताते हैं। इनके अब्बू का फोन आ रहा है, ठीक है? हाँ तुम कल आओ, तुम्हें इंशाल्लाह कल बता दें। चल हाँ, फलक अलीना और हाँ आरफा। नहीं नहीं यार, आरफा नहीं, अपने भाई के रज्जिके में अकेले नाची थी, इसने तो मुझे पूछा तक नहीं था कि आओ मेरे साथ नाच लो। इसको नहीं बुलाएंगे। हाँ अक्षा को। नहीं नहीं यार, अक्षा भी नहीं। जब हम इसके भाई के उपटन में गए थे तो उसने जितने भी लोग थे वहाँ सबके उपटन लगाया था सिवाय मेरे। अरे हम भी उपटन में आए हैं, मेरे भी लगाओ। मुझे नहीं लगाया था। इसको भी बुलाएंगे, इसको भी बुलाएंगे। मम्मी ये लो तुम्हारे कार्ड आ गए। आ गए? अच्छा सही है। ये देखो हमने ददियाल की जो पर्ची दी थी उसमें ये ददियाल वाला लिख दिया, और ये लो ये बक्सा है, इसमें सब ददियाल वाले लिख देना, और मेवा सब मिला देना। पकड़ो मेवा सब में होना चाहिए, ठीक है? उसमें ये ददियाल के ननियाल मेवा इसमें होना चाहिए, ठीक है? जाओ इल्मा एक काम करो, मिलाद वाली का टाइम 6 बजे लिख लो, ठीक है? और उसका ढोलक वाली का 9 बजे। उस बार जब बुलाया था मिलाद वाली को 8:30 बजे आई थी, 6 बजे का था। लिख लो फोन पे, कह देना भैया जल्दी आने क्योंकि सब आ जाएंगे मेहमान, ठीक है? ए जमीला बाजी एक बात बताओ हमको कि हम बताशे बनवाए मांझे में कि वो लड्डू, कोई कह रहा बालू साहे बनवा लो, जुलूस थोड़ा ना निकमाल है हमको, बात इनके यहाँ होता होगा, सब हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ हम इससे अच्छा नमक पारे ना बटवा दें। वही तो, दोजख की तरफ जाने वाले लोगों को देखते होंगे कि अचानक आपकी नज़र एक मुसलमान पर पड़ेगी जिसे मलाइक दोजख की तरफ लिए जा रहे होंगे। ये हाल उस मुसलमान का देखकर आप बेचैन हो जाएंगे और हुजूर सात सहेलियां घनी घनी नेवर बुलाए घनी घनी सात सहेलियां घनी घनी नेवर बुलाए घनी की। हाजी दुल्हे से पूछा हाजी ये कौन है तेरी हाजी, तुम भी डांस करो जाओ के घर में हाजी एक गुतिया देख। बहुत थक गए भाई। अच्छा इनमा वो मिलाद वाली को पैसे दे दिए? दे दिए हमने। 2100 की बात हुई थी मेरी उनसे। हाँ 2100 रुपए दिए। और लड्डू दिए सबको? दे दिए। उनको 4 बैगर बचा के रखना, कल और लोगों को बांटना है ना। सही। और थोड़े पैसे दे देते उनको बड़ा 100 रुपए, हमने पढ़वाया था बाद में उनसे। चलो ठीक है 2100 भी ठीक है। इतना सूखा सूखा मांझा किया है हमने तो कभी देखा नहीं, इतना सूखा मांझा। लड्डू देखो दो दौड़ाले लेने की भैया मिलाद वाले को कम से कम एक डिब्बा देती है ये लोग हैं। एक तो पता नहीं जितने भी दिए इनसे क्या हम लोग को लेना देना, पैसे दिए उनको सिर्फ 4 पैकेट दिए, इतनी लड़कियां लेके आई थी वो 4 पैकेट दिए इन लोग को। और उधर देखो उधर एक कमरे में एसी लगा है, इधर एक कमरे में एसी लगा है, इनके मायके वाले सो रहे हैं और ये छिटांग भर का पंखा लगा है और एक आगे वो हमारी वो सो रही है वो। अरे भाजी वो सब तो छोड़ो, इन लोग को सोने के लिए चटाई दे दी है। अरे बहन अरे किराए पे गद्दे मंगवा लेते जाते तो क्या किराया पड़ता है। अरे हमारी लड़कियां घुसती हैं, हमारी लड़कियां उनके यहाँ घुसती हैं, हम तो बैठा लेते बैठो काहे उनके यहाँ नाच रही ना। हमने इस बार नाच नहीं लिया था, हमने कहा बैठो ज्यादा इनकी लड़की मचलाती नाचे अकेले, इनकी है नहीं की खाले लड़की वही नाचे, हमने बैठा लिया था अपनी लड़की को, नहीं नाच नहीं दिया था। तुम्हारी लड़की को खींच के बैठा था नाच रही थी भैया, बुलाया सबके हाथ हाथ पकड़ पकड़ के नचवाई थी इनकी लड़की इनकी अम्मा। हम लोग बैठे कोई रिश्ता है नहीं कोई नाता नहीं भैया, हम तो किसी के पहली बार जाते ही नहीं मांझे में, कौन सा जाते हैं अपना समझ के आगे भाई। तो और आप तो गए तो क्या बहुत अच्छा दे दिया चिटाई है। आने दो भैया को भाईजान को आने दो, इनको ऐसी इनकी डांट लगवाया।
और ऐसा मेरे भाई का पैसा खाती औरत ये। अरे नहीं भैया, तुम लोग अभी लगाओ, हम अभी जाएंगे बाथरूम पेशाब पेशाब लगाए, अभी खाना पीना देखना है, अभी हम नहीं करेंगे। तुम लड़कियां लगाओ, हम अभी जा रहे हैं। ये देखो भैया, ये बोरी अभी तक ये रखनी है, 4 बजे 9 बजे ऐसा बारात आने वाली, तुम्हें क्या जिम्मेदारी देंगे? ये क्या है? मेरे अल्लाह, दूल्हे का सूट कब देख के आओगे तुम लड़के हो? तुम देख के आओगे कि नहीं देख के आओगे? अम्मी हमें कुछ पता चले तो हम देख के हम अपने आप से क्या करते हैं? इसका पंडित में करके देख के आओ, अगली बार हमको रुकिए तो क्या रुके यार, तुम लोग सारा दिमाग खराब करा, मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ।